लास्ट टाइम जो है वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी, सॉरी। मैंने जो है स्ट्रिक मैंने साइकिल बढ़ा रही थी और मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, ओस्ट्रिक एसिड ऑफ कोर्स और सेली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। उसके बाद मैं आपको ये जो इसके प्रोडक्ट हुए जो कि आउट हो रहे हैं NADFAD, किस तरह से आपने याद रखना, आपने लिखना है वाटर आउट NADU O2, ठीक है, सेम NADU O2, क्योंकि NADU O2 से समझ आ रहा है NAD से NADH2 बन रहा है। तो ये हम याद करने के लिए मतलब याद रखने के लिए ये ट्रिक बता रहे हैं। NADU मतलब यहाँ पे NAD से NADH2 बनना है और O2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होनी है। सेकंड में भी क्या हो रहा है कि NAD से NADH2 बनना है और O2 मतलब कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ये तो पता है ना कि सिट्रेट सिंथेटेज की वजह से सिट्रेट बना और एकोनाइटेज की वजह से सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना। अच्छा, आइसोसिट्रेट बना, और यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे वाटर इन होता है, वहाँ पे वाटर आउट होता है और यहाँ पे वाटर इन होता है। तो आपने वाटर इन वाटर आउट लिखा और यहाँ पे आपने लिखना है वाटर इन और देन NADU O2 मतलब क्या, आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन की वजह से NAD से NADH2 बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि NADU O2 के NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेट से सिक्सनाइल को एंजाइम किस तरह से अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की वजह से NAD से NH2 और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, और ये सारे वो को एंजाइम है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। सो NADU O2 सेम आ गया। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बन रहा है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। सो किसकी वजह से, सक्सिनिल कोएंजाइम थियोकाइनेज की वजह से। देखिए, सेम सब्सट्रेट की तरह एंजाइम लेना है आपने, जहाँ पे NADH2 बन रहा है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, ठीक है, और जहाँ पे ATP की कोई एक्टिविटी होगी तो थियोकाइनेज वाला एंजाइम आएगा, थियोकाइनेज, ठीक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम थियोकाइनेज की वजह से क्या हुआ, ये जो कोएंजाइम ए था ये तो जाहिर सी बात है जाएगा क्योंकि एसिड बन रहा है, ठीक है। और काइनेज मतलब ATP फॉर्मेशन, GTP से, अब यहाँ पे आपने याद रखना कि GTP से GTP बनाएगा, अब जो GTP है ना वो ADP से ATP बनवाएगा, ठीक है, बनेगा आखिर में ATP ही, लेकिन GTP बनेगा पहले, ठीक है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से और यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या बताई, यहाँ पे आप याद रखें गॉसेप मीन GTP बन रहा है ना, तो यहाँ पे आप याद रखें गॉसेप, ठीक है। और सक्सिनिक को एंजाइम से फ्यूमरिक एसिड बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, देखें क्योंकि FAD से FADH2 बन रहा है तो डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होगी, तो जो सब्सट्रेट है मीन सक्सिनिक एसिड के लिए या सक्सिनेट के लिए, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मीन FAD से FADH2 बनेगा, तो इसके लिए याद रख लें फार्डो, ठीक है। और फिर देन फ्यूमरिक एसिड से एमैलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज क्या होगा, वाटर इन होगा, तो आपने यहाँ पर लिखना है वाटर इन, ठीक है। और फिर मैलिक एसिड या मैलेट के लिए इससे एक्सोलेसिटेट जो बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और एनडी से NADH2 बनेगा, फिर यहाँ पे आपने लिख लेना NADU। तो अब आप खुद करें कि वाटर आउट, वाटर इन, NADU O2, गॉसिप, फाडू, वाटर इन, NADU, इस तरह से आपने ये अलग से लिख लेना है, जो इसके प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है, साइकिल में वो आपने इस तरह से याद रखने हैं। और जो पूरी साइकिल मैंने याद करने का तरीका फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, ये TCA साइकिल की सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट एक्चुअली मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं होता तो वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने साइकिल को याद करने का तरीका वो बताया था, वो क्या था, ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, ओ मीन ऑक्सलोसिटेट, सेकंड क्या आएगा, सिट्रिक एसिड मीन सिट्रेट, ठीक है, ओ सिट्रिक एसिड इज मीन आइसोसिटेट आएगा, आइसोसिटेट ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स मीन ऑक्सलोसक्सीनेट, तो उसको आपने कट कर देना ऑफ कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे आप नया भी लिखे तो ठीक है, क्योंकि वो इस रिएक्शन के दो पार्ट हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स के बाद क्या है, ऑल सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स आ मीन अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है, ऑफ कोर्स आ सिली मीन सक्सिनाइल कोएंजाइम, स्टूपिड मीन सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, उसके बाद फनी मीन फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेस, फनी उसके मॉलिक्यूल मीन मैलिक एसिड या मैलेट, उसके बाद क्या है ऑक्सलोसिटेट, ये देखिए मैंने ऊपर ट्रिक लिखी है, ऑक्सलोसिटेट ऑफ कोर्स सिली स्टूपिड, ये साइकिल के साइकिल को याद करने का तरीका है। और ये जो मैंने दूसरा बताया, वाटर आउट, वाटर इन, NADU O2, गॉसिप, फाडू, वाटर इन, NADU, ये मैंने आपको वो बताया जो कि साइकिल से इवॉल्व हो रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं साइकिल के थ्रू, ठीक है। सो आप देखें, आप खुद बताएं, अगर आपने ये दोनों ट्रिक याद कर ली तो आप खुद बता सकते हैं कि भाई हमारे पास आइसोसिटेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है बाय द हेल्प ऑफ आइसोसिटेट, तो एक NADH2 वहाँ प्रोड्यूस होता है और दूसरा कहाँ कब होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, एक वहाँ पर NADH2 प्रोड्यूस होता है
दो हो गए, और तीसरा NADH2 का आप होता है जब मैलेट से या मैलिक एसिड से बाय द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजन ऑक्सिलो एसिटेट बनता है, तो वहाँ पे भी NADH2, मतलब तीन NADH2 आपको पता चल गया, उसकी पोजीशन भी पता चल गई। अब आपको पोजीशन रटना नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको साइकिल और उसके इवॉल्व प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, तो अब आपके खुद ही आपको जहन नशीन हो गया होगा कि भाई अब मैं बता सकता हूँ, अब मुझे रट्टे की नीड नहीं है, कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस सेक्शन के बिटवीन हो रहे हैं, क्योंकि मैम दीना ने जिस तरह से मैं पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेमोराइज एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में हाथ से याद रखना है, ठीक है, मुझे आप लोग की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो NADH2 आपने देख लिया कहाँ प्रोड्यूसर, उसके बाद आपने दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि गॉसिप मतलब GTP प्रोड्यूसर है, GTP फर्दर ATP ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ADP से ATP बनाता है। अब गॉसिप कब हो रहा है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड मीन सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम क्यू काइनेज, जब भी काइनेज की एक्टिविटी होती है मीन ATP एक्टिविटी, ठीक है, और गॉसिप से आप समझ जा रहा है कि GTP प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो गॉसिप, अब ये GTP जो होता है आपको पता है कि जो GTP होता है वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है, वो 1 ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सक्सिनिक एसिड जो है फ्यूमरिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, फाडू मतलब FADH2। FADH2 कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 2 ATP या 1.5 ATP कह ले, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि यार FADH2 कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, किस सेक्शन के बिटवीन हो रहा है, और NADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। FADH2 कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1, और किस सेक्शन के बिटवीन हो रहा है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको साइकिल समझाई है, ये आपके फिंगर टिप पे आ गया। अब अगर वाइवा भी आपसे मैम पूछे तो आप फौरन बता सकते हैं बगैर रटे, बगैर इस पे बहुत ज़्यादा जो रटता है ना उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, आखिर में उड़ जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया, इसको सिर्फ आपको 2-3 दफा पढ़ने की जरूरत है, वीडियो भले 2 दफा देख ले, लेकिन ये आपको मेमोराइज हो गई। आप और नींद से भी कोई आपको जगाएगा ना, बता देंगे भाई इनको मैं जरा ट्रिक रिवाइज कर लूँ, सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स सिलिस टूबिट फनी मॉलिक्यूल वाटर आउट वाटर इन नाडू, हाँ जब एसिडेटेड से अल्फा केटोग्लोबिन तो नाडू मतलब NADH2 बनता है, और एसिडेटेड डिहाइड्रोजन की वजह से इंजाइम याद करना तो बहुत आसान है। उसके बाद अल्फा के आ सिली इसके दरमियान भी नाडू ओटू NADH2, इस तरह से आप याद करें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताई ये साइकिल। अच्छा, मैं क्यों बार बार बताऊँ, क्योंकि यार मुझे खुद बहुत मुश्किल हुई थी, तो मैंने यही सोचा था कि